अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो अभी का जो व्लॉग है वो मैं दोपहर से स्टार्ट कर रही हूँ, और दोपहर के टाइम जो भी नाश्ते के बर्तन वगैरह थे धुल गए थे, ड्राई हो गए थे, तो मैं उनको उनकी जगह पे रख दूँगी ताकि किचन भी क्लीन हो। कुछ मैंने डाइनिंग पे भी रख दिए थे तो वो भी मैं क्लीन कर रही थी कि सारा साफ़ हो जाए, उसके बाद फिर मैं जो है लंच बनाऊँगी बच्चों के लिए। और टेबल पे मैट्स वगैरह लगा दिए, जो भी इस तरह के छोटे छोटे काम थे ना वो मैंने पहले ही ख़त्म कर दिया, ताकि बच्चों के आने से पहले पहले ना सारा जो इस तरह के काम है वो ख़त्म करूँ, क्योंकि आते हैं जब तो फिर उनको भी संभालना होता है, फिर मतलब बाग बाग के काम करने होते हैं, तो वो सारे फिर खाना बनाने से पहले जो जो भी मतलब ख़त्म करने वाले होते हैं काम, क्लीनिंग से रिलेटेड या कुछ भी, वो मैं कर लेती हूँ। तो उसके बाद जो है मैं यहाँ पे लंच की प्रेपरेशन करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे मैं पास्ता बना रही हूँ, तो उसके लिए मैंने कोफ्ते बनाने हैं। तो ये 600-700 ग्राम के करीब मैंने बीफ लिया था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून जो है वो गार्लिक पेस्ट डाला था, और ये जो लार्ज साइज़ का प्याज था ये मैंने हाफ डाल दिया, उसमें ग्रीन चिलीज डाल दिए हैं, और इसके अलावा इसके अंदर जाएगा नमक जाएगा और चिली फ्लेक्स जाएंगे, लेमन जूस जो होता है वो जाएगा, और इसके साथ ही हाफ पैकेट जो है वो मैंने चिकन पाउडर डाल दिया था थोड़ा सा फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए। और आप यहाँ पे जो है ना बेसन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे जो है ब्रेड क्रम्स डाले थे, ब्लैक पेपर डाली है, धनिया फ्रेश पड़ा हुआ था। जब ऐसे धनिया हो तो मैं डाल देती होती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं डालती, तो मतलब लेके आए हुए थे पड़ा हुआ, ख़राब हो जाना था, सो आई थॉट मैं इसको डाल दूँ, या फिर इसको कभी कभार फ्रीज़ भी कर लेती हूँ। तो उसके बाद हाथों पर मैंने ऑयल लगाया है और इनको मैंने गोल गोल शेप दे दी है। फ्राई कर देंगे, इनको मैंने ज़्यादा डीप फ्राई नहीं किया था, बस इनको हल्का सा फ्राई किया मैंने। और उसके बाद जो है एक मैंने पैन में गार्लिक का ही पेस्ट डाला है, उसको मैंने थोड़ा सा कुक किया है, फिर उसमें प्याज, टमाटर, टमाटर प्योरी, रेड चिल्ली, लेमन जूस, सॉल्ट ऐड कर दिया है, और इन सबको मैंने मिक्स किया, और जैसे घी नज़र आने लग गया तो इनको मैंने ग्राइंड कर लिया। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी जो है कोटे चीज़ डाली थी और ग्राइंड कर लिया है, और बाकी जो इसमें थोड़ा सा मैंने मुझे गाढ़ा लग रहा था तो मैंने पानी ऐड कर दिया इसके अंदर उसी जग में ही, और बाकी जो चिकन पाउडर बच गया था वो भी मैंने इसके अंदर ही डाल दिया है। तो कोफ्ते फ्राई किए थे वो भी मैंने डाल दिए हैं, तो ये मैंने हाफ फ्राई किए थे, मतलब इनको डीप बहुत टाइम के लिए फ्राई नहीं किया था, क्योंकि ये उस ग्रेवी के अंदर कुक हो जाएंगे। और मैंने सेकंड बैच डाला है, इसको मैं डीप फ्राई करूँगी, अंदर तक कुक करूँगी। और इन्हीं ये जो कोफ्ते फ्राई किए थे ना, इसी में से मैंने ऑयल लिया थोड़ा सा, उसके अंदर मैंने हाफ बॉइल्ड पास्ता डाला है, इसके अंदर मैंने सॉल्ट और धनिया जो हरा धनिया होता है वो डाला है, और जो है इसके अंदर मैंने रेड चिली फ्लेक्स डाल दिए हैं। तो इन सबको मिक्स करके तो ये जो हमारी हमने ग्रेवी रेडी की थी ये मैं इसके ऊपर डाल दूँगी। पास्ता जो है वो मैंने हाफ इसलिए कुक किया है कि अभी इसको हमने बेक भी करना है, तो ये कुक हो जाएगा, कुक कर लिया था। और ये जो है सेकंड बैच है, इसमें से मैं थोड़े से कोफ्ते ऊपर रख दूँगी बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्पाइसी नहीं है, मैंने ग्रेवी में कुक किए थे कोफ्ते, वो स्पाइसी हो जाते हैं उसके अंदर, मतलब जब आप कुक करते हैं, तो बच्चों के लिए अलहदा से खाना बनाना वो फिर काफ़ी लंबा काम हो जाता है, तो फिर मैंने सोचा कि एक अलहदा से डाल दूँ तो बच्चे भी खा लेंगे और हम लोग भी खा लेंगे, तो इनको मैं ये जो बाद में मैंने सेकंड बैच फ्राई किया ना वो दूँगी। तो इसके बाद हमने 15 से 20 मिनट के लिए इसको बेक कर लेना, बड़ा अच्छा सा कलर आ जाता है, और आपने ये तब करना है जब आप सर्व कर रहे हो। तो मुझे भी यही था कि बच्चे आ रहे हैं, महमूद आ रहे हैं, तो आते ही इन्होंने खाना खा लेना है, तब तक ये कुक हो जाएगा। लेकिन जब ये स्कूल से आए हैं तो महमूद से हट के इनको ऑफिस में काम है, और फिर इन्होंने एक एप्पल लिया और चले गए। ये रोहाम जो है ये रोज़ाना कुछ ना कुछ तोड़ के आती है, आज ये जूता तोड़ गया ये अपना। और ये रूहान के
थोड़ी सी चोट लगी हुई थी, ये दिखा रहा था मुझे कि यहाँ पे मुझे चोट लगी है। और जब इसको चोट लगे ना, फील करता है कि मुझे ना हाई हो गई है, और लेकिन ये टच नहीं करने देता फिर। और बस फिर इनको शेक दे दिया मैंने, और वही जो थोड़ा सा मैंगो का बच गया था, मुझे एप्पल का दिल कर रहा था, मैंने उसी के अंदर एक एप्पल डाल दिया और वो इतना मज़े का शेक बन गया। लेकिन मेरे बच्चे एप्पल शेक नहीं पीते, वो सिर्फ मैंगो शेक ही पीते हैं। तो उनको फिर हमने मतलब फ्रीज़ किए होते हैं थोड़े बहुत लेके, क्योंकि आगे तो ख़त्म भी हो जाने हैं। महमूद भी आ गए थे, फिर 2:30-3 बजे तक आए हैं ये। तो 2 बजे जो है हमारी गैस वो चली जाती है, उसके बाद फिर हम लोगों ने खाया। ये थोड़ा सा नीम गर्म था, मैंने इसको ओवन में पड़ा रहने दिया था, क्योंकि ये मैंने 12:30 बजे बनाया था, तो 2 घंटे गुजर चुके थे, 2-2.5 घंटे तो काफ़ी टाइम हो गया था। ओवन में मैं गर्म करती तो पैन जो है वो फिट ही नहीं आना था माइक्रोवेव में, तो फिर मैंने बोला ऐसे अब खा लेते हैं अगर फील हो, क्योंकि बच्चों के हिसाब से तो ठीक है, अगर आपको फ़ील हो रहा है, मैं उनको बोला था मैंने, तो मैं आपको माइक्रोवेव कर देती हूँ, तो उन्होंने बोला ऐसे ठीक है हम खा लेंगे। तो इसका क्या हुआ था, चीज़ फिर ब्राउन हो गई थी, क्योंकि ये 2 घंटे पड़ा रहा है। अगर आप फ्रेश फ्रेश ही फ़ौरन बेक करें और तभी सर्व कर देना, तो तब चीज़ वाइट ही होती है, बड़ा अच्छा सा कलर आता है। तो उसके बाद बच्चे खेल रहे थे, और ये और दिन का व्लॉग है। तो हम लोग शाम को जा रहे थे, मोबाइल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, वो चेक करवाने गए थे यहाँ पे शॉप पे, और इसके बिल्कुल जो मोबाइल शॉप थी ना उसके सामने ही ये एक छोटी सी शॉप ही खुली हुई थी, झूले थे इसके अंदर और काफ़ी अच्छे कलर्स आ रहे थे। तो हम लोग वैसे ही उठ के आ गए थे, मतलब बच्चों को वैसे लेके आए थे कि बस मोबाइल का करवाना है और फिर हमने घर आ जाना है, लेकिन वहाँ पर फिर झूले लेने लग गए हैं। तो बस ऐसे होता है ना, कभी आप जाओ तो आपने नहीं भी प्लान किया होता कि आज हमने ये करना है, और वो नहीं भी हो पाता तो कुछ और हम करके आ जाते हैं। तो आज भी यही सीन हुआ था कि फिर इनको झूले दिलवाए हैं, इनको फिर भूख लग गई, अभी मैंने खाना नहीं बनाया था, जाके मैंने भी खाना बनाना था, तो बच्चों को भूख लग गई थी, सो हम लोग गुजरे एंड फिर उधर ही रास्ते में हमने डिसाइड किया कि चलो पिज़्ज़ा भी खा लेते हैं, जाते जाते क्या आप घर जाके खाना बनाएंगे। तो बस फिर हम इधर आ गए हैं और हम लोग खाना खाएंगे। उसके बाद जो है घर वापस चले गए थे, और शाम को फिर बच्चों को वॉक करवाई है, और उसके बाद फिर हम लोग सो गए थे। और उसके बाद ये एक और दिन का व्लॉग है, एंड हम लोग जा रहे थे अम्मी लोगों की तरफ, वहाँ पे फैमिली गैदरिंग थी। तो घर से मैं ऐसे गई थी, घर से हम लोग रेडी होके नहीं गए थे क्योंकि बच्चे फिर उधर पहुँच पहुँचे गंदे हो जाते हैं, तो वैसे ही रफली हम लोग चले गए थे, जस्ट चेंज किया था बच्चों को नहला के, तो मैं ले गई थी, और वहाँ पे जाके फिर इनको जो भी कपड़े पहनाने थे वो पहनाए हैं और रेडी किया है। और रिजान को मेकअप का शौक चढ़ा हुआ था क्योंकि हम लोग रेडी हो रहे थे, तो ये कह रहा था मुझे भी वैसे ही करो। तो बस फिर वहाँ पे बच्चे खेलने लगे, मैंने कहा जब गेस्ट आएंगे ना तब मैं इनको रेडी करूँगी, तो तब तक ये खेलते रहें। फिर मैं रेडी हो गई थी, और मैंने जो है अपनी पूरी ड्रेस, आई डोंट नो, मैं दिखाना भूल गई, वैसे ये मैंने कोई न्यू नहीं बनाया था, ये मेरी पुरानी ही ड्रेस है, तो ये मैंने पहनी थी, और यहाँ पे बर्तन वगैरह भी लग गए थे। और तो बस मैं सलाद ही कट की थी, बाकी खाना वगैरह हमने बनवा लिया था, और ये वाली मैंने किया, इसमें एप्पल और कैरेट्स डाल के ये बड़ी मज़े की बन जाती है। अभी खाना भी रेडी हो ही रहा है, अभी शाम के 3 से 4 बज गए थे, और ये बेचारे सुबह के लगे हुए हैं खाना बनाने। तो अभी जाके भी ना, अभी भी बिल्कुल लास्ट पे जाके रेडी हुआ है गेस्ट से आने से पहले। तो मेन्यू में जो था वो बिरयानी बनाई थी, और साथ जो था चिकन का सालन था और मटन का सालन था, और मटन कोरमा था शायद, आई थिंक, और इसके अलावा जो है जो चिकन पकौड़ा होता है
गांव में बहुत चलते हैं चिकन पकोड़ा, तो चिकन पकोड़ा था और ये मुझे चिकन का नाम भूल गया, पता नहीं ये सिंगापुरी चिकन था कि कौन सा चिकन इसको बोलते हैं, तो ये बड़ा मज़े का बना था ये था। और साथ जो है हमने आइसक्रीम बनवाई थी, वो हमने जब खाना सर्व करना है ना तभी वो आइसक्रीम वाला बोल रहा था कि मैं तभी अपनी जो वो भी होता है वो लेके आऊँगा, तो तभी हम फ़ौरन से सर्व कर देंगे ताकि मेल्ट ना हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद मैं फिर वीडियो बनाना भूल गई हूँ क्योंकि भूख फूल लगी हुई थी, तो हम लोग बस खाना खाने पर लग गए हैं और यहीं पर जो है फिर व्लॉग को भी एंड करते हैं। होप यू गाइस लाइक इट, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।